हेलो वीवान वेलकम टू स्प्रिंट टू पी एस सी वी आर डिस्कसिंग द हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु बोर्ड एंड वी आर ऑन चैप्टर एटीन विच इज़ अबाउट द जस्टिस पार्टी रूल तो इस सेशन में हम जस्टिस पार्टी रूल के बारे में समझेंगे तो so, पहले आप देख लीजिए कि क्या क्या कॉन्टेंट्स हैं इस चैप्टर के कैसे बर्थ हुआ क्या है जस्टिस पार्टी रूल अचीवमेंट क्या थे इस पार्टी के और एंड कैसे हुआ तो so, चलिए स्टार्ट करते हैं बर्थ की बात करते हैं कि कैसे ओरिजिन हुआ सो जस्टिस पार्टी रूल बेसिकली कहाँ पे था मद्रास प्रेसिडेंसी में ठीक है साउथ इंडिया की अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो जस्टिस पार्टी रूल इज अ वेरी वेरी बिग थिंग देयर इसके जो आइडियोलॉजी ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी यूनिक थे और अगर हम देखें दे वर डिफरेंट फ्रॉम दैट वाज हैपनिंग अराउंड द कंट्री कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस से काफ़ी डिफरेंट थे ये बेसिकली नॉन ब्राह्मण मूवमेंट आप इसको समझ सकते हो ठीक है एक सोशल रिवॉल्यूशन था अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मणस है ना तो ब्राह्मणस का देखिए आप उस वक्त पे कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था और क्या बात कर रहे हैं आज की डेट में भी कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है तो बेसिकली उस वक्त पे काफ़ी रिजिड चीज़ें थी डोमिनेंस था जो एजुकेशन पब्लिक सर्विस एंड सारे स्फेयर्स में ब्राह्मणस का बहुत ज़्यादा डोमिनेशन था और कई हद तक ब्रिटिशर्स भी उनको सपोर्ट किया करते थे तो उसी चीज़ से लड़ने के लिए ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी एंड अगर हम देखेंगे क्या क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये जो पार्टी है वो आई तो पहली बात तो सोशल डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण ठीक है तो एक ये चीज़ थी मेन कॉज़ था कि जिसकी वजह से नॉन ब्राह्मण मूवमेंट एमर्ज आउट हुआ एंड देखोगे ना आप जब जो सिविल सर्विसेज थे और जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो था डोमिनेंस था आपके ब्राह्मण्स का और जब इतना ज़्यादा डोमिनेंस हो जाएगा आपके इवन द लेजिस्टिव काउंसिल वॉज प्री डोमिनेटेड बाई दीज पीपल तो जो नॉन ब्राह्मस और अदर कम्यूनिटीज़ से उनके दिमाग में एक वरी आ गई एंड ब्राह्मस दे हैज़ मोनोपोलाइज एवरी थिंग प्रेस भी अपनी तरफ ले लिया था फिर दूसरा रीजन क्या था रीडिस्कवरी ऑफ ग्रेटनेस ऑफ तमिल लैंग्वेज लिटरेचर इसकी वजह से भी एक स्टिमुलस मिल गया नॉन ब्राह्मण मूवमेंट का पर्टिकुलरली एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था कंपेरेटिव ग्रामर ऑफ ड्रिवेडियन और साउथ इंडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज एंड दिस वॉज रिटन बाय रिफ रॉबर्ट क्लैडवेल इन एटीन सिक्सटी वर्स जिसकी वजह से ड्रिवेडियन कंसेप्ट को बर्थ मिल गया लेटर ऑन एंशन तमिल लिटरेचर को री डिस्कवर किया गया बहुत से प्रिंट आउट्स निकाले गए प्रिंट किए गए ठीक है तो जिसकी वजह से अच्छा स्टिमुलस मिल गया था वी कनाकजा भाई पिल्ले उनकी जो फेमस हिस्टोरिकल वर्क है द तमिल 18 इयर्स अगो इसमें उन्होंने बोला कि जो तमिल्स हैं दे हैड अटेन अ वेरी हाई डिग्री ऑफ सिविलाइजेशन बिफ़ोर द एडवेंट ऑफ़ आर्यनस एज बेल तो ये पता है ना आपको कि नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया डिवाइडेड था यहाँ पे ड्रिवेडियंस थे और यहाँ पे बेसिकली आर्यनस आके सेटअप हो गए थे तो यहाँ पे तमिल कल्चर को री एवेलुएट किया जा रहा था इसकी वजह से ड्रिवेडियन फीलिंग्स बढ़ गई किसके खिलाफ नॉन ब्राह्मणस के खिलाफ और ये फैक्टर्स तो थो थे छोटे 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 फैक्टर्स यही फैक्टर्स तो जो है थे जिसकी वजह से नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट हो गया और जस्टिस पार्टी इस्टेब्लिश हो गई ठीक है अभी अगर हम प्री कर्सर बोलें जस्टिस पार्टी का इट वॉज़ मद्रास यूनाइटेड लीग जिसको रीनेम किया गया मद्रास डिवेडियन एसोसिएशन के नाम से नाइनटीन ट्वेल्व में डॉक्टर सी नतेशा मुदालियर इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया इस ऑर्गेनाइजेशन को नर्चर करने में फिर 1916 में साउथ इंडियन लिबरल फंक्शन फेडरेशन वॉज फॉम्ड और ये बेसिकली किस चीज़ के लिए था इन ऑर्डर टू प्रमोट द पोलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ नॉन ब्राह्मण कास्ट हिंदूज तो यहाँ के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं इनके नाम आप पढ़ सकते हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्टिसिपेंट्स थे साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह पब्लिश किए जैसे कि जस्टिस है ना यहीं से बर्थ हुआ है आपके जस्टिस पार्टी का ठीक है दे वॉन्टिड जस्टिस फॉर नॉन ब्राह्मण कास्ट पीपल राइट अगेंस्ट द नॉन अगेंस्ट योर ब्राह्मण पीपल सो एक और न्यूज़ पेपर था जो कि जस्टिस पार्टी को सपोर्ट किया करता था वो था ड्रिबेडिन जो कि तमिल लैंग्वेज में आता था इसके अलावा बहुत सारे पब्लिक मीटिंग्स जो है पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया करती थी कॉन्फ्रेंस लेक्चर्स वगैरह सेटअप किया करती थी सो so दैट जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट है वो पॉपुलराइज हो पाए फिर यहाँ पे जस्टिस पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन फॉर्म किए है, है ना द नॉन ब्राह्मण यूथ लीग वगैरह फॉर्म आउट किया अब जस्टिस पार्टी रूल के बारे में पढ़ते हैं सो so, 1920 के जो इलेक्शंस हुए थे उस वक्त पे जस्टिस पार्टी पावर में आ गई थी और ये तो जित ये जो इलेक्शंस थे वो मॉन्टेगू जैम्स रिफॉर्म्स के अंदर के अंदर हुए थे जस्टिस पार्टी उसने 63 आउट ऑफ 98 एट सीट्स लेके रखी हुई थी मद्रास ले रिलेटिव काउंसिल में और इस तरह से वो जीत गए थे यहाँ पे फिर आप देखोगे 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी के साथ लड़ा 1923 के इलेक्शंस में दे फॉट अगेंस्ट स्वराज पार्टी और फिर से मेजॉरिटी आपकी हासिल हुई जस्टिस पार्टी को और यहाँ पे इन्होंने फिर से मिनिस्ट्री फॉर्म किया फिर 1926 के इलेक्शन में इन द इलेक्शन ऑफ 1926 ट्वेंटी सिक्स आ डिडेड जस्टिस पार्टी फेस्ड द अपोजिशन ऑफ यूनाइटेड कांग्रेस तो अब तक जस्टिस पार्टी में भी डिवाइड आ चुका था फिर यूनाइटेड कांग्रेस का अपोजिशन को फेस करना था और फिर उसी की वजह से एक इंडिपेंडेंट ए सुब्रमण्यम विद द हेल्प ऑफ स्वराज पार्टी उन्होंने मिनिस्ट्री फॉर्म करी यहाँ पर फिर 1930 के जो नेक्स्ट इलेक्शन थे वो जस्टिस पार्टी फिर से जीत गई और यहाँ पे उन्होंने मिस मिनिस्ट्री फॉर्म करी 1932 इनको रिप्लेस कर दिया राजा बोबली ने ओके okay? एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द प्रेसिडेंसी फिर थर्टी फोर में इन्होंने फिर से आ, बॉबिली जी जीत गए और फिर ये नाइनटीन थर्टी सेवन तक रहे जस्टिस पार्टी रिमेन इन द पावर फॉर थर्टीन ईयर्स इन समरी अगर हम देखें तो अज पूरा जो तेरह साल का वक्त था इसमें इनका एडमिनिस्ट्रेशन सोशल जस्टिस एंड सोशल रिफॉर्म के लिए काफ़ी अच्छा था यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे अगर आप देखोगे ना जस्टिस पार्टी रूल में ये लोगों का रिप्रेजेंटेशन था तो नॉन ब्राह्मण कम्युनिटीज़ का काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन था ड्यूरिंग दै टाइम इन द पब्लिक सर्विसेज आल्सो डिप्रेस्ड क्लासेस और इनके एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए काम किए थे और स्टेटस भी इनका इंप्रूव हुआ था अब बात करते हैं जस्टिस पार्टी ने क्या क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे बेसिकली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ठीक है तो पहली बात तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार मद्रास में नीयरली थ्री थाउजेंड फ़िशर बॉयज़ फ़िशर गर्ल्स उनको फ्री स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़िशरीज के द्वारा मिड डे मील्स आपको दिया जाता था लाइक इट वॉज गिवन एट द सेलेक्टेड कोऑपरेशन इन द स्कूल तो यहाँ पर ये भी स्टार्ट हो गया था मद्रास एलिमेंट्री एजुकेशन को अमेंड किया गया नाइन्टीन थर्टी फोर में थर्टी फाइव में इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम इन द पर्टिकुलर स्टेट फिर एजुकेशन फॉर गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रेज किया गया था जस्टिस पार्टी रूल में और एजुकेशन फॉर डिप्रेसड क्लास बेसिकली ठीक है इट वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड विद द लेबर डिपार्टमेंट फिर आपके जो आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी मेडिकल एजुकेशन है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एनकरेज किया था गवर्नमेंट टू को ओवर दा पावर ऑफ अपॉइंटिंग डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट फिर आपको जो देखो यहाँ पे अब क्या होने लगा था 1921-22 की बात करें तो रिजर्वेशन आ गया था लोकल बॉडीज़ में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फ़ॉर नॉन ब्राह्मण्स जिसकी वजह से क्या हुआ आपको पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी नॉन ब्राह्मण्स के इन सारे सेक्टर्स में फिर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बनाई गई पंगाल मिनिस्ट्री के द्वारा 1924 uh, में और फिर उसके बाद जो पब्लिक सर्विस कमीशन था 1929 में सेटअप किया गया और ये पहली बार जो है सेटअप किया गया था इट वाज वेरी फर्स्ट ऑफ इस इंडिया वुमेंस को वोटिंग राइट right मिल गए थे सिमिलर टू द मेन हिंदू रिलीजियस एंडमेंट एक्ट 1921 ये भी आपके uh, पनागल मिनिस्ट्री के द्वारा uh, लाया गया था ये करप्शन को एलिमिनेट करने के लिए था है ना बेसिकली इन द मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल्स एंड जस्टिस पार्टी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी लेकर आए थे अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे है? तो पहली बात तो इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के लिए और उनको एड करने के लिए इंडस्ट्री एक्ट 1922 पास किया गया उसकी वजह से नई इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे सेटअप कर की जा सकती थी जैसे कि शुगर फैक्ट्रीज इंजीनियरिंग वर्क्स, टेनरीज एल्यूमिनियम फैक्ट्रीज एंड सो ऑन इस एक्ट की वजह से क्रेडिट्स टू इट वाज इट प्रोवाइडेड क्रेडिट्स टू द इंडस्ट्रीज और लैंड और वाटर वगैरह दिया जाता था अलॉट किया जाता था जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल फेवरेबल हो गई थी इस रीजन में इसी के साथ ही साथ कुछ स्कीम्स भी थी ठीक है फॉर रूरल डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ स्कीम थी एग्री एरियल पॉपुलेशन को हेल्प करने के लिए पब्लिक हेल्थ स्कीम भी लेकर आई गई थी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम द डिसज़ एंड रूरल इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए रोड स्कीम इंट्रोड्यूस किया था इन लोगों ने मद्रास द टाउन इम्प्रूवमेंट कमिटी वो सेटअप राइट एंड मद्रास कोऑपरेशन वगैरह सेटअप किए गए थे uh, उन्होंने इस्लाम क्लैरेंस हाउसिंग स्कीम्स वगैरह लेकर आए थे सोशल वेलफेयर मेजर्स की अगर हम बात करें तो दे गेव वेस्ट लैंड इन द विलेज टू डिस्ट क्लास ओके देवदासी सिस्टम विच वॉज अस अ डिसक्रेस टू वूमेन इट वॉज एबलिश ड्यूरिंग दैट टाइम एंड बेसिकली जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन रिओर्गनाइज द वर्किंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन द महाराष्ट्र इन इन मद्रास एंड इनके टाइम पर ही आंध्रा यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था अन्ना मलाई यूनिवर्सिटी जो आज की डेट में फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको सेटअप किया गया था अब इनका एंड कैसे हुआ 1935 का एक्ट आ गया ठीक है प्रोवेंशियल ऑटोनॉमी मिल गई ठीक एंड इलेक्टोरल विक्ट्री इसका मतलब क्या था इसका मतलब था इट मैन द एजम्पन ऑफ मेजर रिस्पॉसिबिलिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंस ठीक यानी कि अब अगर आप एक बार जीत गए तो आपको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की वजह से प्रोविंसेस को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए के वी रेड्डी नाउडू जस्टिस पार्टी को लीड कर रहे थे सी राजा गोपालाचारी कांग्रेस की तरफ से थे साउथ में 1937 के इलेक्शंस में कांग्रेस को 152 सीट्स मिल गई आउट ऑफ 215 सीट्स लेजिस्लेटिव असेंबली में और काउंसिल की बात करें तो 26 आउट ऑफ तो 46 सीट्स मिल गई देखो दो चीज़ें होती हैं ना हमारे यहाँ कुछ कुछ स्टेट्स में बाय कैमरा लेजिस्लेचर है राइट तो उसके चलते हुए यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल है तो यहाँ पर आपका कौन ले गया कांग्रेस सी राजोपालचार्य के अंदर गवर्नमेंट uh, बन गई और इस तरह से जस्टिस पार्टी यहाँ पे हार गई दस द रूल ऑफ जस्टिस पार्टी जिसने सोशल लेजिस्लेशन uh, को पूरा का पूरा चेंज किया था साउथ में वो दैट केम टू एंड एंड इन 1944 सलीम में जस्टिस पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी एंड देयर पेरा रिंगरना ही पास रिजोल्यूशन देयर बाय द नेम ऑफ द जस्टिस पार्टी एंड वाज दैन द नेम वॉज चेंज टू द्रेविदर कालिंगम सो अभी जो पार्टीज़ आपको देखने मिल रही हैं उनके रूट्स आपके इंडिपेंडेंस के पहले से हैं यह आपको समझना होगा एंड ऑल्दो अभी बहुत सी चीज़ें आइडियोलॉजीज फैक्ट्स बहुत सी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं बट पार्टीज़ के बेसिस वहीं पर ही हैं सो दिस इज अबाउट द रूल ऑफ जस्टिस पार्टी आई होप यू अंडरस्ट ऑफ दिस पॉइंट एंड यू डेड यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स एंड ऑलसो

देखिए सिर्फ वो बढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए और स्प्रिंट यू पेसेस क्लिप परफेक्ट ऐप है आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू वेरी मच